नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है दीप क्लासेज में। मैं विकल्प कुमार एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। पिछली वीडियो में घड़ी के हमने एंगल्स निकालने सीखे थे, मिनट वाली सुई और आपकी घंटे वाली सुई के बीच में एंगल्स कितना बन रहा है। उनमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साथ ही साथ आपको छह ट्रिकें बताई थी। छह ट्रिक के आपको ऐसी बताई थी, उनको एक बार भी मैं रिवाइज भी कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के हमारे पास कमेंट भी आए हैं। आप लोग जैसे जैसे कमेंट करते हैं, हमें पता लगता है कि हम लोग किस तरीके से पढ़ा रहे हैं या किसी चीज़ की कमी है। कोई चीज़ अगर आप लोगों की समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। उससे हमें भी पता लगता रहता है कि अगर आप लोगों को आवश्यकता किस चीज़ की है। वैसे मैं आपको घड़ी का जो चैप्टर है आज आपका कंप्लीट हो जाएगा और पूरा करा दूंगा। शायद इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन बचे, कुछ थोड़े वो जो नॉर्मल्स बचते हैं वो आप लोग आराम से कॉमन सेंस के साथ कर लेंगे, लेकिन जो आपके टेक्निकल क्वेश्चन है सारे मैं पूरे करा दूंगा। हम लोग एंगल्स को निकाल रहे थे। एंगल्स में मैंने आपको छह ट्रिके बताई थी, उनको रिवाइज करा रहा हूँ एक बार में। जैसे आपको बताया था अनुपात के माध्यम से आपको मैंने घड़ी के सुइयों के बीच में कोण निकालना बताया था। अगर 1:10 यानी कि 1:10 का अनुपात बन रहा है तो आपको बताया था क्या करना है, मिनट का 2.5 गुना। इसी तरीके से आगे बताया था अगर 1:4 का अनुपात बन रहा है तो मिनट का 2 गुना। 1:5 और 1:6 में भी आपका दोनों में एक ही कंसेप्ट लगा था, मिनट का आधा कर दीजिए। इसके अलावा 1:8, 1:3 सब में आपको बताया हुआ, आप लोग उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, मिनट बराबर 2/11 इंटू H1 मल्टीपल 30 प्लस माइनस एंगल्स। ये सब चीजें मैं आपको पिछले वाले वीडियो में रिवाइज करा चुका हूँ। आज हम एक दो क्वेश्चन एंगल निकालने का और करते हैं और उसके अलावा कुछ टेक्निकली क्वेश्चंस करते हैं जो आपको आपसे एंगल तो पूछेगा लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बताएगा कि आपसे एंगल ही पूछा गया है और पूछे भी आपसे एंगल गए। उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन इनके करते हैं, एंगल्स निकाल लेंगे। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि घड़ी में 3:44 हो रही है तो दोनों सुइयों के बीच, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप लोगों को बताया था, छह ट्रिकें बताई थी अनुपात की, लेकिन यहाँ आपका कुछ ऐसा, ये दोनों संख्या एक दूसरे से मल्टीपल नहीं है, कट नहीं रही है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मिनट इक्वल टू 2/11 H1 मल्टीपल 30 प्लस माइनस एंगल। यहाँ पे रख के आप निकाल सकते हैं, मिनट आपकी 44 है बराबर 2/11 इंटू H1 3×30 प्लस माइनस एंगल। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 22 और 11 की मल्टीपल 22 में करोगे तो 11×22 और 11×22 और 2×24 242 और बराबर ये हो जाएगा 30×90 प्लस माइनस एंगल। ये जब आप इसको इधर भेजोगे तो 242 माइनस के 90 बराबर एंगल के और 2 और आपका 24 में से 9 जाकर के आपका 15 यानी कि 152 डिग्री का आपका एंगल यहाँ बन रहा है। इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन करा है, वैसे तो मैं आपको और भी एक दो क्वेश्चन करा सकता हूँ, चलो और भी करा दो, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, घड़ी में 7:38 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इसको भी उसी फॉर्मूले में वैल्यू रखिएगा, आप लोग डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूं, 38 मिनट कितने आपकी 38 बराबर 2/11 इंटू H1 यानी कि 7×30 प्लस माइनस एंगल। कैलकुलेट कीजिएगा, 2 से 19 टाइम्स गया, 11×99 9, 11×11 9 20 209 बराबर 3×21 210 हुए आपके प्लस माइनस एंगल। जब आप इसको इधर भेजोगे ये आपका बनता है -1 और माइनस आपको बताया था इस कंडीशन में आपको नहीं लेना है, तो 1 डिग्री का एंगल आपका यहां बन रहा है।
अब आप लोग कहोगे कि सर बहुत छोटा एंगल है, लेकिन 7:38 घड़ी में कब होंगे? आप लोग समझ सकते हो कि दोनों सुइयां लगभग यहीं को होंगी बिल्कुल, तो एक ही डिग्री का एंगल बनेगा। कैलकुलेट किसी भी तरीके से कर लीजिए, सब कुछ ये है, आप फॉर्मूले की प्रैक्टिस कीजिए, यहां से क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो आपसे अगले क्वेश्चन है, अब तक तो ये क्वेश्चन तो आपसे वैसे ही कराए जा रहे थे, दो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कराए हैं। इसके अलावा जो और आगे की तरफ क्वेश्चन कुछ टेक्निकली क्वेश्चन बनते हैं, निकालना तो हमें एंगल ही होता है, लेकिन एंगल डायरेक्ट ना पूछ करके कुछ और पूछते हैं, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं घड़ी की सुइया 4 और 5 बजे के बीच में कब आपस में मिलेगी, या 2 और 3 बजे के बीच में कब आपस में मिलेगी, या 9 या 10 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। आप लोगों को एक चीज की जानकारी होगी, घड़ी की दोनों सुइयों के मिलने का मतलब सीधा सीधा होता है कि उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होना, 0 डिग्री का एंगल होना। अब आपसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया है कि घड़ी की सुइयां 2 और 3 बजे के बीच कब आपस में मिलेगी। अब एक चीज आप लोग और ध्यान रखना, अगर आपसे कहा गया है कि 2 और 3 बजे के बीच, तो जाहिर सी बात है घड़ी की जो दोनों सुइयां आपस में मिलेगी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, 2 बजे के बाद और 3 बजे के पहले करेंगी, अर्थात तो 2 बजकर के कुछ मिनट पे करेंगे। तो सीधा सीधा इसका मीन्स है कि आपको मिनट काउंट करनी है। क्या करनी है जी? मिनट काउंट करनी है। चलिए खैर, तो मिनट के लिए फॉर्मूला आपको बताया था, एम बराबर 2/11 h1 × 30 प्लस माइनस एंगल। यहां से आप लोग निकालिएगा 2/11 एच की वन, पहले वाला कितना है 2 × 30 प्लस माइनस। अब एंगल की वैल्यू आप लोगों को रखनी है, जब घड़ी के दोनों सुइयों के मिलने की बात की गई है तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री का। तो आप लोग यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा 0, बस कैलकुलेट कीजिएगा 2/11 3×6 यानी कि 60, ये 0 तो आपका 0 हो गई, या 120/11। और कैलकुलेट अगर आगे की तरफ हम करें, 11 × 11 एक बचा है 0 और आपका 10/11, ये आपका समय आ चुका है। इसका सीधा सीधा मीन्स है कि 2:10 से 10/11 पे या इतने बजे घड़ी की दोनों सुइया आपस में मिलेगी। एक तो तरीका आपसे ये पूछा गया है, पहले आप लोग समझ विकसित कीजिएगा मेरे साथ में, इसके बाद मैं आपको इसका भी कंसेप्ट, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना। आपसे पूछा गया है, दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, इसके बिहार पे आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइया कब आपस में मिलेगी, तो 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइया मिलने का सीधा सीधा मतलब है कि कब उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, क्योंकि एक दूसरे से जब मिलेंगी तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, यानी कि उनके बीच में कोई भी उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। तो अब आपको भी मिनट निकालने हैं, जाहिर सी बात है 2 बजे के बाद मिलेंगी और 3 से पहले मिलेगी, यानी कि 2 बजकर के कुछ मिनट पे मिलेगी। तो वे मिनट आपको काउंट करने, मिनट का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, यहाँ रख करके कैलकुलेट करके आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अब आप लोग इसका छोटा सा एक कंसेप्ट समझिए, छोटा ट्रिक, ये तो आपका फॉर्मूला बेस है, आप ध्यान रखना फॉर्मूले की भी आपको प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहना है, क्योंकि अगर इसके बेस की आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा, और अच्छे से अगर आप लोग पढ़ने एज ए टीचर पढ़ो आप कहीं कल पढ़ा भी सकते हो। मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी, अगर इस प्रकार का आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है उसको समझिएगा। स्मॉल आवर यानी कि छोटे वाले घंटे को पकड़ना है आपको, स्मॉल आवर इसमें कौन सा है 2, उसको पकड़िएगा और गुना कर दीजिएगा 60/11 से, वे मिनट आपके डायरेक्ट निकल के आ जाएगी, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, अगर आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि घड़ी की सुइयां 2 और 3 के बीच कब मिलेगी, 3 और 4 के बीच कब मिलेगी, 4 और 5 के बीच कब मिलेगी, तो आपको क्या करना है, स्मॉल आवर को लेना है और उसमें 60/11 से गुना कर देनी है,
स्मॉल आवर मल्टीपल 60/11 आपके मिनट निकल जाएगी। कैलकुलेट कीजिएगा 6 × 12 = 120/11 और यही कैलकुलेशन आपकी यहाँ भी आ रही थी। इसको भी जब हम कैलकुलेट करेंगे आपकी 10 × 10/11 ही निकल करके आएगी। तो आपको इतने बड़े फॉर्मूले को, इतने बड़े क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, अगर आपसे ऐसा कहीं भी पूछा जाए तो स्मॉल आवर मल्टीपल 60/11 कभी आपका क्वेश्चन गलत है नहीं हो सकता। उतार लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन की आपको और प्रैक्टिस करा रहा हूं। आगे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, घड़ी की सुई 5 व 6 बजे के बीच, 5 व 6 बजे के बीच कब आपस में मिलेगी। अब वही है फॉर्मूला, एक तो आपके पास है कि भी आपको मिनट निकालनी है, 5 व 6 बजे के बीच कब आपस में मिलेगी, 5 बजकर के कुछ मिनट पे मिलेगी। तो एक तो आपको ये मिनट, एक तो आप फॉर्मूले में माल रख करके निकाल सकते हैं मिनट, लेकिन कुछ नहीं करना है आपको। अभी बताया है स्मॉल आवर को उठाइए, 5 किससे गुना करनी है, 60/11, तो 6 × 5 = 30 यानी कि 300/11। कैलकुलेट कीजिएगा, 11 × 2 = 22 8 11 × 7 = 77 और 3/11 यानी कि 5:27 सही 3/11 मिनट पे या इतने बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेगी 5 व 6 बजे के बीच में। कोई भी क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक अपवाद और बता रहा हूं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले वाले लेक्चर में कि 11 व 12 के बीच में घड़ी की सुइयां कहीं आपस में नहीं मिलती। उस बात को अब मैं प्रूव करके भी दिखा रहा हूं। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 11 व 12 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी। तो आपको क्या बताया कंसेप्ट, स्मॉल आवर गुना 60/11। कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग, 11 से 11 कैंसिल आउट हुआ, कितने मिनट बचे आपकी, 60 मिनट। तो जाहिर सी बात है 11:60 पर ये आपस में मिलेगी। तो 11:60 का सीधा सीधा मीन्स क्या हुआ, 12 बजे मिलेगी। तो घड़ी की सुई आपस में 11 व 12 के बीच में कहीं नहीं मिलती, या तो 10 और 11 के बीच में मिलती है या फिर डायरेक्ट सीधे 12 बजे के बीच, 12 बजे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो ये कुछ यहां से क्वेश्चन थे। आगे एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं मैं। आगे जो क्वेश्चन है आपसे इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि घड़ी की सुइयों के बीच 3 व 4 बजे के बीच कब 30 डिग्री का कोण होगा। क्वेश्चन थोड़ा समझते चलिए आप लोग, बिल्कुल उसी पे डिपेंडेड है। पहले एंगल आपको दिया हुआ था कि एक दूसरे से मिलेगी, तो आप लोग समझ गए थे कि 0 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है जी। अब आप लोगों से डायरेक्ट ही पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में कब 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल एक बार देखिए आप लोग, उसी फॉर्मूले में आपको मान रखना है, एम बराबर 2/11 h1 × 30 ± एंगल। अब यहां से आपसे ये नहीं पूछा गया कि 3 व 4 के बीच में कब मिलेगी, अब आपसे एंगल पूछा गया है। तो एंगल आप लोग निकालिएगा, सॉरी मिनट की वैल्यू निकालिएगा, 2/11 h1 3 × 30 ± एंगल कितना है आपका, वो भी 30 ही है। आगे की तरफ हम लोग चले तो 2/11 तो 30 × 90 ± 30 डिग्री। अब बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि सर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो यहां क्या किया जाए, प्लस माइनस इन दोनों में क्या लिया जाए, प्लस ले या माइनस ले। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को दोनों ही लेने, ठीक है जी। वो मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि आपके वो डिपेंड करता है आपसे जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में वो किस हिसाब से दिए गए हैं। इन दो का मतलब ये है कि 30 डिग्री का एंगल
तीन व चार बजे के बीच में दो बार बनेगा और ये दो टाइम निकलेंगे, यहाँ एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो आपको दोनों लेने पड़ेंगे और उसके हिसाब से जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसे जैसे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ऐसे आप लोग आंसर लगा सकते हो। देखिए मान लीजिए अगर मैं आपसे बता दूं इसका कुछ जोड़ तोड़ के कुछ बताने एक आंसर को रट करके आपको बता दूं कि आप लोग ऐसे कर लीजिएगा सारे हो जाएंगे, नहीं, जो आपका बेसिक है उसे कभी मत छोड़िए, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमेशा लीजिए, एज ए टीचर पढ़िए, कल आप लोग कहीं पढ़ा भी सकते हो, तो किसी भी क्वेश्चन की गहराई से जाइए, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ दोनों लीजिएगा, अगर मैं एक बार इसको प्लस लेता हूं तो 90 और 30 120, 120 की गुना दो में करके 240 हो जाएगा यहाँ और बटे 11, तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 11 दूनी 22 2 11 एकम 11 9 बचे 21, तो एक बार तो आपका समय निकल करके आया कि 3 बज करके 21 सही 9 बटे 11 मिनट, इस समय इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। हमने इस बार प्लस लिया था लेकिन इस बार हम लोग माइनस लेंगे, अगर मैं यहां माइनस लेता हूं इसी लाइन को यहां से आगे मैं यहां कर रहा हूं तो 2 बटे 11, समझिएगा आप लोग, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60, कैलकुलेट कीजिएगा 6 दूनी 12 120 बटे 11, 11 एकम 11 10 0 और 10 बटे 11, एक समय निकल करके आया आपका 3 बज करके 10 से 10 बटे 11 मिनट, यानी कि 3 व 4 बजे के बीच में 2 बार 30 डिग्री का एंगल बनेगा, एक समय तो ये होगा और एक समय ये होगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने ऑप्शंस को तलाशिए उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल यही है, आप लोग ये नहीं है कि आप खाली इसको निकाल दे या इसको निकाल दे, आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। चलिए खैर आगे की तरफ और चलते हैं, अभी तक मैं आप लोगों को जितने क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये सारे एंगल निकालने की है, कोण निकालने की है, किसी में आपको डायरेक्ट एंगल पूछा जाएगा और किसी में आपसे इनडायरेक्टली ऐसे पूछ लेगा कि, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ने 3 व 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी, तो विपरीत होने का सीधा सीधा मीन है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री, आप लोग डायरेक्ट उसे भी निकाल लेंगे, जहां हम लोग पहले 0 रख रहे थे वहां 180 डिग्री रख करके आप लोग निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाकी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छी समझ आपकी विकसित हो गई होगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, वो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसको किसी भी तरीके से वीडियो को रोक करके नोट कर लेना, एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है, उसके ऑप्शंस भी आपको बताऊंगा मैं। क्वेश्चन ये था, एक घड़ी दो पैर से चलना शुरू करती है, एक घड़ी दो पैर से चलना शुरू करती है 3:45 PM पर, 3:45 PM पर एक घड़ी दो पैर से चलना शुरू करती है और 3:45 PM पर घंटे वाली सुई द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, एसएससी सीजीएल 2015 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक घड़ी दो पैर से चलना शुरू करती है और 3:45 पर घंटे वाली सुई के द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, इसने आपसे पूछा घंटे वाली सुई के द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि मिनट वाली सुई का इसमें कोई मतलब नहीं है। आपको पता है मान लीजिए ये एक क्लॉक है, जब 3:45 होते हैं तो ये जो आपकी घंटे वाली सुई है वो लगभग यानी कि 4:15 वो लगभग घंटे वाली सुई आपकी तकरीबन यहां को आ जाती है। अब इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मीन्स कहने का ये है, जब घड़ी ने दो पैर, यानी कि दो पैर का मतलब आपको समय नहीं दिया लेकिन आपको लेकर के चलना है, दो पैर का मतलब 12 बजे, यहां से चलना शुरू किया था घंटे वाली सुई ने और यहां तक आ चुकी है, तो इसके बीच जो ये एंगल बना है कितने डिग्री का बना है, आपको स्टार्टिंग में बताया था घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है या 30 डिग्री का एंगल आपका बनाती है, मान लीजिए यहां से यहां तक 30 डिग्री, यहां से यहां तक आपका 60 और यहां से यहां तक आपका 90।
90 डिग्री। 90 डिग्री तो आपका हो गया 3 बजे तक, लेकिन इस घंटे वाली सुई ने यहां से और यहां तक ये जो आगे एंगल्स कवर किया है ये हमें निकालना है, और उसको निकालने का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये दी गई मिनट। और आपके अगर याद हो पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप सारी चीजें एक्सप्लेन की थी कि घंटे वाली सुई एक आवर में चलते है 30 डिग्री, लेकिन अगर जो मिनट में इसको निकाले हम तो एक मिनट में आपको बताया था 1/2 डिग्री। और ये क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा, वहां आपको सारी चीजें बताई हुई है। तो एक मिनट में चलती है 1/2 डिग्री, 45 मिनट में कितनी चलेगी, तो 45 × 1/2 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 22.5 आएगा। तो अब ये 22.5 डिग्री अगर हम 90 में जोड़ दें तो आपका आंसर निकल जाएगा, यानी कि 112.5 डिग्री आपका एंगल घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया दोपहर से चलने के बाद। एसएससी सीजीएल 2015 में आपसे क्वेश्चन से पूछा गया, इसको उतार लीजिएगा आप लोग, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये आपसे एंगल्स निकालने के, यानी कि कोण निकालने के हमने अब तक आपसे डिस्कशन किया, जितने भी कोण आपके सारे कवर आप लोग यहां से कर सकते हो। अब इसके बाद जो घड़ी में बचता है, एक आपने देखा होगा इमेज वाले क्वेश्चंस बनते हैं, मान लो एक क्लॉक यहां रखी हुई है, ये एक क्लॉक है। अब आपसे क्या क्वेश्चन देगा, दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, एक दर्पण यहां रखा हुआ है बराबर, इसको हम बोलते हैं मिरर इमेज। अगर इस घड़ी में कुछ समय हो रहा है तो इसका जो प्रतिबिंब इधर बनेगा दर्पण में उसमें कितना समय दिखाई देगा, एक क्वेश्चन तो इस तरीके का बनता है। एक आपको दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इसको तो हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल। एक क्वेश्चन आपसे बनता है आपका प्रतिबिंब को यहां रख सकता है, मिरर को यहां रख सकता है, यहां मिरर की बजाय आपका पानी भी हो सकता है, क्योंकि पानी कभी ऐसे तो खड़ा नहीं हो सकता, तो पानी के ये आप इसको वाटर इमेज बोलते हैं। तो ये आपको मिरर इमेज का अगर कहीं क्वेश्चन आए तो ये वाला लेना है, और वाटर इमेज की अगर कहीं बात आए तो ये लेना है। इसको क्षैतिज बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। अब एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मिरर इमेज मान लीजिए आपसे कोई भी समय दिया गया 7:10 घड़ी में हो रही है यहां पे, तो जो इधर आपकी प्रतिबिंब बनेगा ये इसका घड़ी का, तो इधर इस प्रतिबिंब में समय क्या दिखाई देगा, तो आपको इन वाले क्वेश्चंस में क्या करना है 11:60 में से, वैसे तो एक्चुअल में 12 ही है आपके, लेकिन हम लोग इसको कैरी ना करना पड़े बाद में हासिल इधर से, तो हम 11:60 लेते हैं। तो 11:60 में से दिया गया समय अगर आप लोग घटा देंगे तो आपको समय निकल जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 50 और ये आपका 4 बजे, यानी कि इसका सीधा सीधा मीन्स है अगर इस घड़ी में 7:10 हो रहे हैं तो इस वाली घड़ी में यानी कि आपकी मिरर इमेज में या आपका दर्पण प्रतिबिंब में 4:50 होंगे। चलिए सर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यहां 5:45 हो रहे हैं, तो आपका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा या इधर आपकी जो घड़ी दिखाई देगी इसमें क्या समय होगा, करना क्या आप लोगों को 11:60 ले लीजिए और इसमें से 5:45 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना बचा 15 मिनट तो इधर बचती है और 11 में से 5 जाकर के 6, यानी कि इधर जो आपको घड़ी दिखाई देगी उसमें 6:15 का समय होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों की समझ में ये चीजें आ गई होंगी। हाँ, आप लोग कभी कभार आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बन सकता है थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो कन्फ्यूजन पैदा करे, कि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यहां घड़ी में 12:55 हो रहे हैं, तो यहां जो आपकी इमेज बनेगी तो यहां समय क्या होगा। अब आप लोग कहोगे कि 11 में से 12:55 हम कैसे घटाएंगे, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखना एक चीज है जिसे हम लोग व्यवहार में लाते भी है, यूज भी करते हैं, 12 के बाद 1 बजता है और 1 बजने को हम 13 भी बोलते हैं, 14 को आपका 2 बोलते हैं, 15 को 3 बोलते हैं, इसी तरीके से आपका
ग्यारह को हम 23 बोलते हैं, तो आप लोग यहाँ 23 कर लीजिएगा। 23 60 में से अगर हम लोग इसको घटा दें तो आपका एक्चुअल आंसर निकल जाएगा। तो 5 मिनट यहाँ से बचती है और 23 में ये 3 में से 2 गई 1 और 1, यानी कि 11 बज करके 5 मिनट आपको इधर दर्पण में दिखाई देगा। ये व्यवहारिक बातें हैं और आप भली बात है आप सभी इन लोगों को इन बातों को सभी को जानती है। तो ये आपका मिरर इमेज वाले क्वेश्चन थे, ध्यान रखना ये दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज के क्वेश्चन थे। अब इसको तो मैं हटा रहा हूं। अब आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, आपका वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब या आपका दर्पण आपका क्षैतिज तरीके से रखा हुआ है। अब मान लीजिए आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि 8:20 हो रहे हैं, तो आपका दर्पण सॉरी जल प्रतिबिंब में जो आपका यहाँ पे घड़ी बनेगी इसमें समय क्या दिखाई देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 18:30 में से दिया गया समय आपको घटा देना है। अब आप लोग इसको घटा दीजिए 8:20, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप लोग तो 10 मिनट इधर बचती है और 18 में से 8 गई तो आपका 10 ही यहाँ बचते हैं, यानी कि सीधी सीधा आपको आंसर मिल चुका है। अगर यहाँ 8:20 हो रहे हैं तो यहाँ आपका जो नीचे इमेज बनेगी 10:10 की बनेगी। इसके अलावा आगे की तरफ अगर हम और चले एक एग्जांपल्स और ले लो, मान लीजिए अगर 9:15 घड़ी में हो रहे हैं तो यहाँ नीचे की तरफ समय क्या दिखाई देगा। तो आप लोग क्या करोगे, 18:30 में से 9:15 अगर आप घटाओगे तो एक्चुअल आंसर आपको निकल जाएगा। 30 में से 15 गए तो 15 बचे हैं और 18 में से 9 गए तो 9:15 आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेसिक से क्वेश्चन इसके बनते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा और बता रहा हूं मैं आपको रियल जो थोड़ा सा बन सकता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बनता है कि 10:45 हो रहे हैं, 10:45 हो रहे हैं तो नीचे जो आपका जल प्रतिबिंब बनेगा उसमें समय क्या होगा। तो आपको मैंने बताया 18:30 में से दिया गया समय आप लोग घटा दीजिए, आपको आंसर निकल जाएगा। अब आप लोग 10:45 को अगर घटाओगे तो कैरी क्या आपको कैरी करना पड़ेगा इधर से, क्योंकि 30 में से 45 नहीं घटा सकते आप लोग। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखना, ऑलरेडी अगर आपको 30 से बड़ी संख्या अगर मिनट 30 से ज्यादा मिल जाए तो आप लोग इसको 18:30 में से ना घटा करके 17:90 में से घटा सकते हैं। और 17:90 का कंसेप्ट एक है कि मैंने यहाँ से एक कैरी कर लिया, 18 में से जब एक घंटा मैंने इधर लिया तो आपको पता है यहाँ घंटे ना होकर के मिनट है, तो एक घंटे में 60 मिनट होती है, यानी कि मैंने यहाँ से 60 मिनट लिए, 30 मिनट यहाँ ऑलरेडी है तो आपकी अब यहाँ हो चुकी है 90 मिनट और यहाँ आपके बचते हैं 17 घंटे, ठीक है ना। तो अब आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 45 इधर आएगा और आपका 17 में से 10 जा करके 7 आएगा, यानी कि आपका अगर यहाँ 10:45 हो रहे हैं तो यहाँ जो आपका प्रतिबिंब बनेगा 7:45 का प्रतिबिंब दिखाई देगा आपको। एक छोटा सा एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर आपसे कहा गया कि यहाँ आपका घड़ी में 3:59 हो रहे हैं तो आपका जो दर्पण जल प्रतिबिंब बनेगा इसमें क्या आपको दिखाई देगा। तो यहाँ 3:59 आप लोग इसमें से घटा दीजिए, एक्चुअल आंसर आपको निकल जाएगा। यह आपका 1 बजता है और 8 में से 5 गए 3 बजता है और आपका 17 में से 3 गए 14 बजता है। 14:31 आपको अभी बताया था, 14 का मतलब सीधा सीधा आपका 2 होता है, यानी कि 2:31 आपको दिखाई देगा आपका जल प्रतिबिंब में, ठीक है। तो ये आपके बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आप लोग इनसे भली भांति परिचित भी हो, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा जो घड़ी में आपका बचते हैं क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे भी पूछ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वैसे व्यवहारिक क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को रीजनिंग का एक चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग उसकी जानकारी है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे कहा गया यदि घड़ी पे जो डायल अंक होते हैं, डायल अंक का मतलब 1 2 3 4 5 ही है, उनमें आपको नंबर डिनोट कर देगा किस तरीके से। मान लीजिए यदि
तीन को पी कहा जाए, चार को क्यू कहा जाए, पांच को आर कहा जाए और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चले तो नौ को क्या कहेंगे। तो आप लोग अच्छी तरीके से इनको निकाल सकते हो। आप लोग देख रहे हो कि एक एक नंबर यहां से बढ़ रहा है तो एक एक एबीसीडी इधर बढ़ती ही जा रही है अल्फाबेटिकल। तो आप लोग इनको कर सकते हो। मान लो तीन को पी है, चार को क्यू है, पांच को आर है, तो छह को एस होगा, सात को टी होगा, आठ को आपका यू होगा और नौ को आपका वी होगा। तो एक्चुअल आंसर आपका नो है। ये बहुत ही बारीक और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। इनसे क्वेश्चन आप लोग आए हुए आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा घड़ी में क्वेश्चन और जो बचते हैं सारे आपके लैंग्वेजेज क्वेश्चन है, कंसेप्ट कंसेप्चुअल आपका यही है, बाकी रीजनिंग आपकी जो घड़ी में बनती है वो आपकी सारी की सारी आपकी आपके मतलब कॉमन सेंस पे बनती है कि आप लोग को कितना कॉमन सेंस रखते हो। टेक्निकल पार्ट जितना मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। सो थैंक यू रीजनिंग के लिए। और एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, लाइक सब्सक्राइब करते हो, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मनोज सर को भी, और बहुत बहुत आपका दही दिल से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब मैं आपके लिए एक अच्छी बहुत अच्छी खबर लेकर के आया हूँ। अब क्लोक वाला चैप्टर तो मैंने आज कंप्लीट करा दिया है, इसके बाद मैं आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी शुरू कर रहा हूँ। वर्ल्ड जियोग्राफी को मैं वहीं से शुरुआत करूंगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आप सभी लोग जहां जाओ बस अपनी पढ़ाई को फोकस करना शुरू कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो भी अब लोग जुड़ने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। पहला लेक्चर देना मत भूलना वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, बस उसके लिए इंतजार कीजिएगा। सो थैंक यू, आज इतना ही।